हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी वायरिंग के अंदर में आती है। यहाँ पर आपको वेबसाइट पे डायरेक्ट मैं लेके आया हूँ। ऑलरेडी कंपनी नई है और लेकिन इसकी एक पेरेंट कंपनी है, वो इसकी पुरानी है, मदरसन सुमी। आपने नाम सुना होगा अगर मार्केट में अगर थोड़े पुराने हो तो। ठीक है, तो उसी के अंडर में ये आने वाली कंपनी है, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया। और ये जॉइंट वेंचर है सुमी टोमो वायरिंग सिस्टम के साथ, जापान की कंपनी के साथ ये है। और मदरसन एक्सपर्ट्स टू वायरिंग हार्नलेस सॉल्यूशन इन इंडिया, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ वायरिंग है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये बनाती है और लीडिंग पे है, लीड पे कर रही है। तो ऑलरेडी बैकअप भी इसका अच्छा है, बैकग्राउंड भी अच्छा है। और साथ में अगर देखा जाए तो बाहर की कंपनी भी इसके साथ में, तो जॉइंट वेंचर की कंपनी है। तो इसका शेयर कैसा है ये भी देख लेते हैं। तो मदरसन सुमी वायरिंग का शेयर का भाव अभी चल रहा है 81-82 के आसपास का चल रहा है भाव, और 87 का ये हाई मार चुका है। ठीक है, तो फिलहाल हाई के आसपास है। और मेरा हमेशा से यही होता है कि कोई भी शेयर हाई के आसपास हो तो वहाँ पर मेरा पहले ही रिजेक्शन में आ जाता है, क्योंकि हाई के बाद मेरे ज़्यादा तक मुझे लगता है कि चांसेस होते हैं कि वहाँ से करेक्शन थोड़ा आने के, या थोड़ा आए या ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो हाई पे मुझे ख़रीदना पसंद नहीं आता, तो ये मेरा पर्सनल है। और ऊपर से यहाँ पर मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल भी है। करंट पी अच्छा इसका प्राइस और बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो 3 रुपये का, 3.5 का आ रहा है। पी थोड़ा महंगा है, ठीक है, पी यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डिविडेंड देती है कंपनी, एक चीज़ अच्छी है। आरओई काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि यहाँ पर जस्ट ये अभी का दिखा रहा है। यहाँ पर आप एक साल से ही कंपनी है, मार्च 2022 से कंपनी है, इसके पहले ये मार्केट में नहीं थी कंपनी। ठीक है, तो फिलहाल ये कुछ ही महीने पहले की कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट हुई है, उसके पहले इसके आपको कुछ भी डेटा यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर नेगेटिव एक चीज़ है कि ये इसका जो स्टॉक ट्रेडिंग बुक वैल्यू थोड़ा सा महंगा है बुक वैल्यू के हिसाब से, तो थोड़े वैल्यूएशन वाइज ये ऑलरेडी मैंने कहा है कि ये महंगा ही नज़र आ रहा है। और ये चौथे नंबर पे आ रही है इसके कंपैरिजन में मार्केट कैप के हिसाब से। और डिविडेंड देने वाली देखो, ये दो ही कंपनियां इसके कंपैरिजन में, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ और ये। ठीक है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स बात करेंगे, मार्च 2021 से यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहे। अगर मार्केट में कंपनी नहीं होती है फिर भी उसके रिजल्ट तो शो कर सकते हैं, रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जून क्वार्टर के रिजल्ट देख लो तो 1600-1700 करोड़ तक का कंपनी यहाँ पर सेल्स कर रही है क्वार्टरली, और उसमें से 12% का उनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। और उसके बाद ये सब जाने के बाद उसका नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है, 126 करोड़ का। तो प्रॉफिट अच्छा किया है मार्च के मुकाबले इसने। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो, दो ही साल के बताए हैं, तो 2021 का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर 396 है, और मार्च 2022 का देखोगे तो 411 है। तो 411 करोड़ का यहाँ पर कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है, और प्रॉफिट मार्जिन 13-14% का ही मिल रहा है कंपनी को। तो अदर इनकम भी यहाँ पर एक बार माइनस में हो गया है, तो अदर इनकम कभी कभी लॉस करा देते हैं। तो रिटर्न्स यहाँ पर आपको शो नहीं होगे क्योंकि ये रिसेंटली सब एक ही साल के अंदर के हैं, इस वजह से। बैलेंस शीट की बात कर सकते हैं हम तो, देखो 283 करोड़ का मार्केट कंपनी पे लोन है, कर्जा है, और रिजर्व में 700-800 करोड़ का तो रिजर्व भी पड़ा है, तो ठीक ठाक है, बैलेंस शीट भी अच्छी है। ठीक है, और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर जून क्वार्टर में देखो, यहाँ पर प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छे शेयर से लगभग 61-62% का है, और फॉरेन के इन्वेस्टर ने थोड़ा माल बेचा है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर डीआईज ने ख़रीदा है, तो कोई बेचा है तो किसी ने ख़रीदा है, और पब्लिक ने भी थोड़ा माल बेचा है, तो पब्लिक के पास भी ये शेयर्स काफ़ी कम है। ठीक है, तो पब्लिक यहाँ पर अगर आगे जाके कोई कंपनी में लॉस होता है तो पब्लिक का लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, बट बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर घुसे हैं तो बात तो अच्छी है, और स्टॉक फिलहाल अभी के हिसाब से तो अच्छा नज़र आ रहा है, सिर्फ महंगा नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर
और कुछ यहाँ पर ख़राबी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक है। सिर्फ वैल्यूएशन वाइज मुझे थोड़े महंगे प्राइस नज़र आ रहे, अगर ये डाउन पे मिले और डाउन पे चले तो अच्छा है, नहीं तो कहीं ना कहीं जाके ये स्टॉक का पी जो है ज़्यादा महंगा अगर हो जाता है तो स्टॉक करेक्ट होता है या वैल्यूएशन गिर जाते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है नहीं तो ये स्टॉक और इसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है बिज़नेस वाइज देखा जाए तो। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो थोड़ी क्वांटिटीज़ लेके रख सकता है, फिर अगर ये गिरावट देता है तो और भी क्वांटिटीज़ ऐड कर सकता है। तो मेरा यही कहना रहेगा और इसमें मेरा पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और मेरे जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके अलग से वीडियोस आते ही है, ये जस्ट रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से उनके रिक्वेस्ट आते ही रहते हैं लेकिन उनके हिसाब से मैं जो भी मेरे व्यूअर जो भी बताएंगे या कोई भी किसी को किसी भी चीज़ के बारे में जानना है उनके शेयर्स के बारे में तो मेरे हिसाब से मैं बता सकता हूँ। तो नॉर्मली एक ही काम करना है कि आपको उस स्टॉक को फिर से एक बार अच्छे से अगर लगे तो ही करना है इसमें इन्वेस्ट, नहीं तो वैसे स्टॉक से दूर ही रहना है जहाँ पर रिस्क ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन होता है कि स्टॉक को कम्प्लीटली फंडामेंटल के हिसाब से ही देखना चाहिए, तो मैं फंडामेंटल के हिसाब से ही देख रहा हूँ। तो फंडामेंटली थोड़ा सा ये वैल्यूएशन इसके महंगे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। और भी बहुत सारे शेयर्स है मार्केट में तो जिसके वैल्यूएशन अच्छे है और मार्केट में वो टिका है बहुत टाइम से भी है तो वैसे स्टॉक को भी ले सकते हैं। तो नई कंपनी में आप इन्वेस्ट जो जिनका ये रिक्वेस्ट है उनका नई कंपनियों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है तो काफ़ी अच्छी बात है कि नई नई कंपनियां स्टार्टिंग में आती है तभी इन्वेस्ट करना भी अच्छा ही होता है। कोई आईपीओ में इन्वेस्ट करता है कि कोई आईपीओ के बाद इन्वेस्ट करता है अगर करेक्शन होता है तो। फिलहाल कंपनी ने अभी करेक्शन दिया नहीं है, जब करेक्शन आए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन दिया था बट बड़ा एक करेक्शन आने के बाद ये शेयर में आगे कंटिन्यू किया भी जा सकता है अगर कोई लेता है तो। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।